हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूजा लव्स ड्रामा। होप सो आपको मेरी वीडियोस देख के अच्छा लगता होगा। आज मैं बात करने वाली एक चाइनीज ड्रामा जो इसी ईयर में रिलीज हुआ था एंड एयरिंग टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट चाइनीज ड्रामा आप बोल सकते हो। आज तक हम जो चाइनीज ड्रामास की बात करते रहे हिंदी डब में, वो मोस्टली मॉडर्न ड्रामास रहे हैं या फिर जो ड्रामास 2-3 साल पहले या कुछ टाइम पहले एयर हुए थे एंड अभी उनको हिंदी डब में लाया गया। बट आज मैं जिस ड्रामा की बात करने वाली, वो रिसेंटली ही एयर हुआ था एंड वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा है इस साल का एंड वो आप हिंदी डब में देख सकते हो। एंड ये है हमारा शिनशिया चाइनीज ड्रामा द लीजेंड ऑफ सैनली, जो कि आप बोल सकते हो लाइक शिनशिया ड्रामा मैंने बहुत कम देखे हैं जो हिंदी डब में अवेलेबल है एंड अभी आपको ये ड्रामा देखने को मिल रहा। अगर आपको ऐसे ड्रामास देखना पसंद है जो हिस्टोरिकल हो या फिर शिनशिया ड्रामा हो, पोस्टरूम ड्रामास आप बोल सकते हो इनको, एंड रोमांस, कॉमेडी, एक्शन, लाइक मैजिक, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सो ऐसे ड्रामास अगर आपको देखना पसंद है तो आपको ये ड्रामा जरूर पसंद आने वाला है, बिकॉज स्टोरी लाइन काफी अच्छी है। मैं तो ऑलरेडी एयरिंग टाइम पर ही देख चुकी थी। देखो, मोस्टली जो हमारे चाइनीज ड्रामा होते हैं, हिस्टोरिकल ड्रामा होते हैं, वुशिया ड्रामा होते हैं एंड शिनशिया ड्रामा होते हैं। हिस्टोरिकल ड्रामा जो हमारे आपको देखने को मिलेगा, राजा है एंड उसकी जो प्रजा है, इन सब के बारे में देखने को मिलता है। हमारे वुशिया ड्रामा होते हैं जो मार्शल आर्ट से रिलेटेड होते हैं, मतलब मार्शल वर्ल्ड से रिलेटेड होते हैं, जो मतलब इंसान खुद अपना लाइक पावर्स गेन करते हैं, उड़ सकते हैं किसी के सहारे या उनकी फाइट आप देख सकते हैं, तो वो सब कुछ मार्शल वर्ड्स में होता है। एक होता है हमारा शिनशिया ड्रामा। शिनशिया ड्रामा में क्या होता है, आपको गोड्स, डीमंस, मोर्टल वर्ल्ड, इमोर्टल वर्ल्ड, हेवनली रियलम, ये सब आपको देखने को मिलता है। तो द लीजेंड ऑफ चैनली हमारा एक शिनशिया ड्रामा, बिकॉज इसमें आपको हेवनली रियलम, आपको इसमें इमोर्टल रियलम एंड मोर्टल रियलम, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। डीमन, गोड, इंसान, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। सो शिनशिया ड्रामा हमेशा बेस्ट होते हैं। सो द लीजेंड ऑफ चैनली में आप देखने वाले हो हेवनली रियलम, इमोर्टल रियलम, डीमन रियलम एंड मोर्टल वर्ल्ड। एंड हम बात करने वाले जो लव स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, वो गोड एंड हमारे डीमन रियलम में देखने को मिलेगी, बिकॉज सिक्स गोड थे, सिक्स गोड में से सिर्फ अभी एक ही गोड बाकी है जो हेवनली रियलम में रहता है एंड इमोर्टल रियलम यानी कि डीमन रियलम में रहती है हमारी शैनली, जो कि अपने डीमन रियलम को सेव करना चाहती है। तो वो वहां की जनरल बीसेंग के नाम से भी जानी जाती है, बिकॉज वो फाइट करती है। बट फॉर सम रीजन क्या होता है कि उसकी मैरिज अरेंज की जाती है हेवनली रियलम के किसी गोड के साथ, बट वो उसे नहीं करना चाहती है फोर्सफुली अपनी शादी को, उससे भागना चाहती है। एंड जैसे ही वो भागती है, फाइट होती है उसकी, वो अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाती है, फिनिक्स की फॉर्म में, एंड वो मोर्टल वर्ल्ड में आकर गिर जाती है एक मार्केट में, जहां पर आपको चिकन वगैरह ये सब मिलता है। एंड वो इंटेग्रल्ड होती है हमारे गोड शिंग्यून के साथ, जो कि लास्ट गोड बचा हुआ है हमारा हेवनली रियलम में, उसके साथ वो इंटेंगल्ड होती है। वो उसकी लाइक ये मान लो वो उसकी रक्षा करता है, वो उसकी रक्षा करती है, इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, कैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटेंगल्ड होंगे। फिर एक टाइम आएगा जब हमारी शैनली वापिस अपने रियलम में चली जाएगी एंड हमारा गोड भी वापिस अपने रियलम में चला जाएगा। एंड अगेन अब जो स्टोरी देखने वाले हैं वो हम हेवनली रियलम और इमोर्टल रियलम की देखेंगे, बट बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील होंगे, बिकॉज एक ईविल पावर भी आपको देखने को मिलेगी जिसकी वजह से हर रियलम को खतरा है। एंड जब डीमन रियलम खतरे में आएगा तो इमोर्टल रियलम से हमारा गोड शिंग्यून आएगा बचाने के लिए शैनली को, बट फॉर सम रीजन मतलब बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, सब कुछ बताने का बेनिफिट नहीं है, बट इन दोनों की जो लव स्टोरी है वो आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज शैनली किसी प्रॉब्लम में फंस जाएगी एंड वहां उसे शिंग्यून बचाएगा। सो वहां से इनकी जो लव स्टोरी है, दोनों एक दूसरे को लाइक करते बट बताते नहीं है, बट वहां से इनकी लव स्टोरी राइट ट्रैक पे स्टार्ट हो जाएगी। सो हमें ये देखना है कि कैसे वो दोनों पूरी रियलम को सेव करते हैं, उनकी लव स्टोरी का क्या एंड होता है। एंड लाइक केमिस्ट्री काफी अच्छी है, VFX इस ड्रामा के, बैकग्राउंड साउंड, लाइक एवरीथिंग, सब कुछ बहुत मस्त है, आपको काफी पसंद आने वाला है अगर आपको इस तरीके के ड्रामा देखना पसंद है। बिकॉज देखो, दो टाइप के लोग होते हैं, कुछ टाइप के लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ मॉडर्न ड्रामा ही देखना पसंद है, 24 एपिसोड देख के खत्म हो गया, इसमें आपको 40 एपिसोड देखने होंगे। सो 40 एपिसोड का टाइम कम नहीं होता, दैट्स व्हाई मैं बोल रही हूँ कि सुपर वर्थ इट है ये ड्रामा, आपके 40 एपिसोड का टाइम वर्थ इट रहेगा, बिकॉज स्टोरी लाइन काफी अच्छी है इसमें, जो आपको पावर्स देखने को मिलेगी, जो बैकग्राउंड साउंड है, जो VFX है, OST है, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट है। सो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी आपको ये ड्रामा, आपको जरूर देखना चाहिए। एंड YouTube चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं।
एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज मैं ऑलवेज वीडियोस बनाती हूँ कोरियन, चाइनीज, थाई ड्रामास के। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद है तो लाइक करना भी मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर 4000 सब्सक्राइबर। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। बाय बाय।